प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना मामले में सिर्फ ₹1 का जुर्माना लगाया गया, लेकिन माना जा रहा है कि अब तक जो ठसक प्रशांत भूषण दिखा रहे हैं उस हिसाब से वो जुर्माना अदा नहीं करेंगे। ऐसी सूरत में उन्हें 3 महीने के लिए जेल की हवा खानी होगी और 3 साल तक प्रैक्टिस करने से रोक भी लग जाएगी। वैसे कोर्ट ने प्रशांत भूषण को ₹1 का इंतजाम करने के लिए 15 सितंबर तक का वक्त दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर पर न्यायाधीशों को लेकर की गई टिप्पणी पर 14 अगस्त को प्रशांत भूषण को दोषी ठहराया था। प्रशांत भूषण ने 27 जून को न्यायपालिका के 6 वर्ष का कामकाज को लेकर एक टिप्पणी की थी, जबकि 22 जून को शीर्ष अदालत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश SA बोबड़े तथा 4 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को लेकर दूसरी टिप्पणी की थी। इसी मामले में अदालत ने प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना का दोषी पाया है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने इस मामले में अधिवक्ता प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SA बोबड़े और 4 पूर्व CJI को लेकर प्रशांत भूषण की ओर से किए गए 2 अलग-अलग ट्वीट्स पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी थी। प्रशांत भूषण ने कोर्ट के खिलाफ 2 ट्वीट्स किए थे जिसके लिए उनके खिलाफ अवमानना का मामला चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि पहली नजर में हमारी राय ये है कि ट्विटर पर इन बयानों से न्यायपालिका की बदनामी हुई है और सुप्रीम कोर्ट और खास तौर पर भारत के चीफ जस्टिस के ऑफिस के लिए जनता के मन में जो मान सम्मान है, ये बयान उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रशांत भूषण ने पहला ट्वीट 27 जून को करते हुए कहा था कि जब इतिहासकार भारत के पिछले 6 वर्षों को देखते हैं तो पाते हैं कि कैसे बिना इमरजेंसी के देश में लोकतंत्र खत्म किया गया। इनमें वे सुप्रीम कोर्ट खासकर 4 पूर्व CJI की भूमिका पर सवाल उठाएंगे। इसके बाद प्रशांत भूषण ने 29 जून को एक ट्वीट में चीफ जस्टिस SA बोबड़े की हार्ले डेविलसन बाइक के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा कि उन्होंने कोरोना के दौर में अदालतों को बंद रखने का आदेश दिया था। प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले नवंबर 2009 में भी अवमानना का नोटिस दिया था। तब उन्होंने एक इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर टिप्पणी की थी।